नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मेंस का एग्जाम होने वाला है वो कब होने वाला है और आपको किस प्रकार उसकी तैयारी करनी है वो आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो ही शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का प्री का रिजल्ट आ गया है और जिन जिन बच्चों का मेंस के लिए हुआ है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका मेंस कब होना है। तो मेंस की बात करेंगे और उसके बाद आपको मेंस की तैयारी किस प्रकार से करनी है, आपके पास कितना समय है, वो सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो सब यदि आप भी ग्रुप 4 का एग्जाम दे रहे हो, स्टेनो या सहायक ग्रेड 3 या नगर निगम की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज जो मिलेगी आपको परीक्षा ऐप पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। क्या क्या मिलने वाला है आपको, तो यहाँ देख सकते हो आप। सबसे पहले आपको एक डेमो टेस्ट मिलेगा, आप डेमो टेस्ट देख के लेके देख सकते हो। यहाँ पर आपको देखना है ग्रुप 4 नगर निगम स्टेनो, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। आपको फ्लैट टेस्ट मिलेंगे 15+, देन आगे भी आपके बढ़ जाएंगे टेस्ट, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं आपका जो सिलेबस है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। सब कुछ 17 नंबर का है और आपकी रीजनिंग है वो 15 नंबर की है, ये जो कि आपका पूरा फुल सिलेबस बेस्ड बनाई गई है टेस्ट सीरीज। आपको 120 मिनट मिलेंगे, 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक होंगे। तो ये कैसे आपको 50% ऑफ मिलेगा, तो जस्ट आपको लोकवाल 50 डालना है तो आपको 50% ऑफ के साथ मात्र 175 रुपये की टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। बहुत ही कम प्राइस रखा गया है कुछ सीमित समय के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। कोड डालना ना भूलें, लोकवाल 50। सबसे पहले बात करते हैं आपका मेंस कब तक होने वाला है लगभग। तो आपका जो मेंस है वो लगभग होने वाला है जून के लास्ट तक, जून के लास्ट संडे लास्ट वीक तक, ठीक है। ये मान के चलिए आप जून के लास्ट वीक तक आपका है मेंस होने वाला है। तो अभी से मान के चले तो लगभग आपके पास 2 महीने और कुछ दिन बाकी है, 2 महीने कुछ दिन बाकी है। अब 2 महीने में बहुत अच्छे से मेंस की तैयारी कर सकते हो जिन लोगों का मेंस में हुआ है, जो सिलेक्ट हुए हैं मेंस के लिए। तो 2 महीने और कुछ दिन बचे आपके पास, तो उसमें आपको मेंस की तैयारी कैसे करनी है और बहुत अच्छे से आप तैयारी करके आपका सिलेक्शन ले सकते हो दोनों ही सेक्शन में, स्टेनो वाले में भी और AG3 में भी। तो आपको सबसे पहले बात करूंगा मैं AG3 और स्टेनो की। तो AG3 में आपको पता होगा कि आपको एक देख के टाइपिंग करनी है और एक सुन के टाइपिंग करनी है। लगभग आपके पास 2 महीने का समय बचा है, तो आपको किस प्रकार तैयारी करनी है। तो आप देख के टाइपिंग जो करते हो वो CPCT बेस्ड बिल्कुल होने वाली है। तो जिस प्रकार से आपने CPCT की तैयारी की होगी उसी प्रकार से आप जो मेंस होने वाला है आप उसी प्रकार इसकी तैयारी कर सकते हो। 35 शब्द प्रति मिनट आपका देख के टाइपिंग होने वाली है, फिर उसके बाद आपकी सुन के टाइपिंग होगी, तो सुन के आपके 40 शब्द प्रति मिनट होने वाली है। तो इसके आपके 70 नंबर और जो देख के होंगे उसके 30 नंबर, ऐसे करके आपके 100 नंबर का मेंस होने वाला है। तो आपको देख के टाइपिंग आप डेली 2-2 मीटर या 3-3 मीटर देख के टाइप करिए और अपनी स्पीड टाइमर लगा के करिए ताकि आपकी स्पीड डे बाय डे बढ़ेगी। और सुन के टाइपिंग का आप किसी भी आप यदि अपने फ्रेंड से बोल दो कि आप मेरे को बोल मैं सुन के टाइप करूंगा, या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल की आप सुन के 40 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन टाइप कर सकते हो ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो डे बाय डे अच्छी होगी। और सुन के ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी देखने वाली भी स्पीड बढ़ेगी और सुनने वाली तो आपकी बढ़ेगी। इस प्रकार से आपको मेंस की तैयारी करके बहुत अच्छे से रखनी है और लगभग आपके पास 2 महीने हैं, तो 2 महीने में तो आप बहुत अच्छे से 50 की स्पीड तक भी ला सकते हो। तो ये तो हो गया आपका AG3 का। बात करते हैं अब स्टेनोग्राफर की। तो स्टेनोग्राफर में आपको 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन लिखना होगा, फिर उसको ट्रांसलेशन करना होगा कंप्यूटर में। तो अभी आपके पास 2 से 2.5 महीने हैं लगभग, तो आप स्टेनो की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। यदि अभी अभी तक किसी बच्चे ने स्टार्ट नहीं करी है तो वो अभी भी शब्द चिन्हों की प्रैक्टिस स्टार्ट करके धीरे धीरे पहले 40 का डिक्टेशन ले, फिर 60 का डिक्टेशन ले, फिर 80 पे आए धीरे धीरे। डायरेक्ट 80 पे ना आए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लॉस हो जाएगा, मतलब लूज हो जाएगा, मतलब नहीं है। तो धीरे धीरे पहले 40 शब्द लिखे, फिर 60 शब्द लिखे, फिर 80 शब्द लिखे, फिर धीरे धीरे आप 100 शब्द प्रति मिनट लिखोगे तब जाके आपकी आप 80 बहुत अच्छे से लिख पाओगे और गलतियां बहुत कम होगी। तो गलतियों का भी आपको ध्यान रखना है कि विशेषकर गलतियां कम हो, कम से कम गलतियां हो। तो आपको डेली कम से कम 4 आपको डिक्टेशन लिख के पढ़ना है, ठीक है। ट्रांसलेशन बाद की बात है, पर ट्रांसलेशन आपको पढ़ना आना चाहिए बहुत अच्छे से। जो आप लिख रहे हो 40 शब्द 80 शब्द प्रति मिनट, उसको आपको पढ़ना बहुत अच्छे से आना चाहिए स्टेनो में। तो आपको कम से कम 4 डिक्टेशन सुबह और 4 डिक्टेशन शाम को आप लिखो और उसको पढ़ने की कोशिश करो कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। तो ये तो आपकी इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करोगे तो लगभग आपको 2 महीने में बहुत अच्छे से आप 100 शब्द से भी ज़्यादा स्पीड ला सकते हो, इस तरीके से आप यदि स्टेनो की तैयारी करोगे तो। तो ये आपको बताना था कि आप इस प्रकार से मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो और आपके पास अभी मेंस के लिए लगभग 2 महीने और कुछ दिन अभी बाकी है। तो जैसे मैंने बताया, होप्सो आप उस प्रकार से तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। और यही आप सभी को बताना था कि होप्सो आपको चीज़ समझ में आई होगी। चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा
शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।